इस फिल्म की कहानी 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स के बारे में है जो किसी न किसी तरह एक कपल से कनेक्टेड हैं। अब इस 8 लोगों के अफेयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यह हम मूवी में देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें से जोवन नाम का एक मुसाफिर की नज़र खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहाँ वो एक लड़की को भागते हुए देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोवन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक वो लड़की उस लड़की ने ही अकेले उन लोगों को वहां से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम नोरा बताती है और जोवन को कैप्टन की यूनिफॉर्म में देखकर उसे अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। नोरा जोवन को सड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने बोट से मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में संभोग करने दूंगी। अब ये सुनकर जोवन को लगता है ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर नोरा उसे गाली देते हुए सड्यूस करने लगती है, जिसके बाद जोवन की सटक जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के खोपचे में पहुंच जाते हैं, जहां जोवन भी एक कोने में नोरा की जम के बजाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद जोवन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। नोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोवन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूं। और जाते जाते जोवन अपना लॉकेट नोरा को देते हुए जाता है, जिसे पाकर नोरा को एक अजीब सी चरम सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ हम मेरी नाम की एक मेड को देखते हैं, जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर पक छुपकर अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोवन उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोवन मैरी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए जाता है और कहता है इसे माँ को दे देना। अब जोवन 3 साल बाद लौटा था तो मैरी उसे रुकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी दौरान जोवन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मैरी के साथ संभोग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोवन हार मानने वालों में से नहीं था, वो जबरदस्ती ही मैरी की टांगे खोलकर शुरू हो जाता है। पहले तो मैरी जमकर विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को जोवन के छोटे चेतन के सामने सरेंडर कर देती है। काम पूरा होने के बाद मैरी को गिल्टी फील होने लगता है। वो जोवन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोवन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मैरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मैरी के मालिक डेविड को पैट्रिजिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड और उसके किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिल जाते हैं, तो वो उनमें से एक फोटोज अपनी जेब में घुसा लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने का आदत थी और आज घर में कहीं भी मैरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है। और किचन में जाते ही वो देखता है कि उसके ग्रैंडमा अपने पल्टन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे, उन्हीं में से एक पैट्रिसिया होती है जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहां आई हुई थी। डेविड भी अपने मोबाइल से पैट्रिसिया की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मैरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। ये सवाल सुनकर मैरी के तो होश उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती रहती हो, आज मैं तुम्हें अपना औजार दिखाता हूँ। और इतना कहकर डेविड अपना टॉवल मैरी के सामने खोल देता है। टॉवल के अंदर छुपे हुए औजार को देखकर मैरी की दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। डेविड भी समझ चुका था मैरी को उससे क्या चाहिए। वो मैरी से तेल लेकर आने के लिए कहता है और फिर तेल मालिश करते करते डेविड मैरी के साथ संभोग भी कर देता है। एक दिन डेविड अपने घर से पैट्रिसिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पैट्रिसिया अपनी कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है जहां दोनों स्मोकिंग करते हैं। पैट्रिसिया डेविड से पूछती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ये सुनते ही पैट्रिसिया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। पैट्रिसिया को किसी नए नंबर से किसी ने कॉल किया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसे फोन का GPS ऑफ कर देता है और पैट्रिसिया से कहता है इसे ऑफ ही रखना वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। और पैट्रिसिया की हंसी नहीं रुक रही थी, वो कहती है तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर हाथ गाड़ी चलाते होगे। डेविड कहता है कि हाँ जब मैं 9 साल का था तब से तुम्हें सोचकर हाथ गाड़ी चलाता हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पैट्रिसिया उसे कहती है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड पैट्रिसिया से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है। पैट्रिसिया कहती है सब ठीक ठाक चल रहा है, तो डेविड कहता है कि तुम झूठ मत बोलो कि तुम्हारे बुड्ढे हस्बैंड का खड़ा नहीं होता। पैट्रिसिया उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा खड़ा होता है।
है। डेविड कहता है कि अभी रुको दिखाता हूँ, पर इतना कहते हुए दोनों संभोग करना शुरू कर देते हैं। संभोग करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पैट्रिसिया फटाफट से अपनी पैंटी ढूंढने में लग जाती है और उसे पैंटी नहीं मिलती। डेविड कहता है, तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर उसे कुरियर करवा दूंगा। पैट्रिसिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से मेरा पीछा मत करना, अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून डालेगा। पैट्रिसिया अपने घर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड बोलता है, तुमने अपने फोन का GPS क्यों ऑफ किया था। पैट्रिसिया कहती है, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को उस पर शक हो गया था, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पैट्रिसिया के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन पावला को पिक करने जाता है। दरअसल पावला जोसेफ के ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच काफी ज्यादा संभोग भी हुआ था। पावला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए 10-स्टार रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहां एक प्राइवेट कमरे में पावला को ले जाकर जोसेफ उसके साथ संभोग करना शुरू कर देता है। जाते जाते जोसेफ पावला को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है, ये लोग घर जाने के लिए उबर बुक कर लेना। जोसेफ ने पावला की मुलाकात एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस जोशी से भी करवा दी थी, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पावला को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाती है। पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी के घर की मेड को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी किसी घर की नौकरी किया करती थी। शाम को जोशी पावला को क्लब में ले जाती है, जहां हर कोई कोने में लगा हुआ था। पावला बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। ये देखकर जोशी उसे वहां से वापस अपने साथ घर ले आती है। यहां हमें पता चलता है जोशी एक लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पावला का इंतजाम किया था। पावला को ये सब ठीक ठाक नहीं लग रहा था, पर जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच लेस्बियन वाला काम शुरू हो जाता है। पर पावला को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे जोशी के साथ करने में मजा तो आया था, पर जोशी जिस तरह से उसे अपनी किसी बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी, ये देखकर पावला बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जोशी पावला से कहती है, ठीक है तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पावला के लिए ये मुश्किल डिसीजन था और वो एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जोशी से ब्रेकअप कर लेती है। जोशी पावला को उसके घर ड्रॉप करने जाती है। इधर हम नोरा को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए थे, जिससे नोरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट से अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं और समझ पाते हैं दोनों ने रात को संभोग भी किया था। अब इससे पहले नोरा की नींद खुल पाती, जोशी उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी नोरा वहां आ जाती है और जोशी को उसके पैसे वापस करते हुए कहती है, कल रात को मुझे तुम्हारे साथ करके बहुत मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, बट अफसोस की बात यह है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जोशी नोरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर नोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी जोवन के आने का इंतजार कर रही थी, जिसने जाते जाते उसे अपना लॉकेट दिया था। तभी जोवन अपने हाथों में फूल लिए हुए आ जाता है, जिसे देखकर नोरा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके नोरा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया था। पर फिर भी नोरा की खुशी को देखते हुए जोशी खुले मन नोरा को अलविदा कहकर उसे जोवन के साथ जाने के लिए परमिशन दे देती है। और यहाँ जोशी के उदास चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।